नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला सैद्धांतिक पेपर है, आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित का विकास, संख्यात्मक योग, संख्यात्मक संबोधन और विकास, ये हमने डिस्कस किया था। उसका जो पहला वीडियो था वो हमने जो प्रीवियस ईयर में आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या है। किसी संख्या में, जैसे हम किसी संख्या को ले लें, जैसे हम दो ले रहे हैं संख्या, दो में वृद्धि करना मतलब दो में कुछ जोड़ना, उसको बढ़ाना, उसमें योग करना, इसको क्या कहते हैं? इसको हम जोड़ कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। आपका आ जो है उत्तर यहाँ पे सही होगा। किसी भी संख्या के मान होते हैं, देखिए किसी भी संख्या के मान होते हैं, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है किसी भी संख्या के मान होते हैं, एक दो तीन चार, इसका ये क्वेश्चन देखिए समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या मतलब है इसका, किसी भी संख्या के मान, इसको मैं देख के बता दूंगा। ओके, अगले वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तीन संख्याओं की सबसे पहली संख्या, तीन अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, तीन अंकों की सबसे पहली संख्या पूछे या तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, बात एक ही है भाई। जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे पहली संख्या होगी, ओके, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे अंतिम संख्या होगी। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी आपकी। देखिए 99 जो है वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन 100 जो है वो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 999 तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह मतलब चढ़ना उतरना, मतलब आप किसी चीज को, किसी भी सेंटेंस को जैसे बोलते हैं या जब बातचीत करते हैं, तो जहां पे किसी शब्द पे ज्यादा जोर देना होता है तो वहां पे आप अपनी भाषा को, अपनी वाणी को बढ़ा लेते हैं। मीन्स आप तेज बोलते हैं या उसको ज्यादा फोकस करके बोल सकते हैं, उस पर ज्यादा बलाघात करके बोलते हैं, लेकिन जब धीमे बोलना होता है, जब नॉर्मली बोलना होता है तो हम, या किसी शब्द को छोट कम बोलना होता है तो उसको हम आरोह कर लेते हैं। प्रक्रिया में आरोह अवरोह की समस्या समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन करना, जब आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो आप एक ही सुर में पढ़ते चले जाते हैं, कहाँ पे आपको आरोह करना है कहाँ पे अवरोह करना है वो आप नहीं करते हैं। अधिक तेज आवाज में पढ़ना, सो आप शब्दों को एक ही साथ पढ़ते हैं। भाव को समझ कर न पढ़ना, सो उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन डा है यहाँ पे वो आपका सही उत्तर है। आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डा है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई लिखित भाषा है, सपोज के लिए कोई शीर्षक आपको या कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ओके, एक आपको पद्यांश दिया हुआ है, और लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक, जब आप उसको पढ़कर मतलब बोलकर जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सस्वर वाचन। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। सस्वर, सा में आप, सा प्लस स्वर, तो स्वर में आप अगर उपसर्ग सा लगा देंगे तो वो आपका सस्वर वाचन का मतलब, सस्वर पठन का मतलब हो गया कि आप बोल बोल के जब पढ़ते हैं तो उसको हम सस्वर वाचन कहते हैं, और जब आप मन में पढ़ते हैं अपने तो उसको हम मौन वाचन कहते हैं या मौन पठन कहते हैं। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, देखिए वाक्य में निम्नलिखित गुण कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में भी आया था और रिपीट हुआ था, वो 2019 में आया था और ये देखिए 2018 में आपका आया हुआ है। ओके, सो हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि आप इन वीडियोस को देखने का, इन वीडियोस को डिस्कस करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे मोटिव है, वो यही कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करिए। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे, सो अगर इसमें से क्वेश्चन रिपीट होता है, और रिपीट होते हैं, देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, 2018 का क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, या 19 का कह लीजिए भाई, 2019 का पेपर बाद में हुआ तो ऑब्वियस है 18 का पेपर जो है, जो क्वेश्चन है वो 19 में आया होगा, सो रिपीटेशन होता है। तो वाक्य में निम्नलिखित गुण कौन कौन से होते हैं? उसमें सार्थकता होती है, ओके, क्रमबद्धता होती है, या उपर्युक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं, जो सार्थक भी होनी चाहिए वाक्य, और उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, जो उपर्युक्त दोनों। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या कौन सी है? लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, या उपर्युक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या जो है वो उपर्युक्त तीनों हैं।
ओके, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन द जो है वो यहाँ पे सही होगा। 99 में दहाई है, तो 99 में दहाई कौन सी है? 9, इकाई भी 9 है और दहाई भी 9 है। पठन लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है? जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये श्रीमती मॉन्टेसरी का स्टेटमेंट है, ये मॉन्टेसरी का स्टेटमेंट है। मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा प्रथम सेमेस्टर में, तो यहीं पे स्टेटमेंट उनका ही मॉन्टेसरी का स्टेटमेंट है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ का पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले डिस्कशन में, कंठ का मतलब होता है ओके। सो देखिए, जब भी हम उच्चारण स्थान कहते हैं तो कंठ से लेकर के और ओष्ठ तक, यही कंठ से स्टार्ट करते हैं और ओष्ठ तक हम उच्चारण करते रहते हैं। सो कंठ से जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का, वर्णों का उच्चारण होता है उसमें कौन कौन से हैं? कवर्ग, का, खा, गा, का, ओके। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन कौन सा है? ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? तो देखिए, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, या ऑल ऑफ द अबव, या उपर्युक्त सभी, यहाँ पे आपका ऑप्शन द जो है वो सही है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगर हमें विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो हम विराम चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है। ओके, सो ये आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन आ होगा। विवृत स्वर कौन सा है? सो विवृत स्वर, देखिए पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, सो विवृत स्वर का मतलब है खुले मुंह से, जिसमें मुख जो है वो पूर्ण रूप से खुला रहता है, तो उन शब्दों को हम, सॉरी उन अक्षरों को हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ और ओ, अब आप आ और ओ को करिए तो उसमें देखिए मुंह आपका पूरा खुला रहता है। आनंद का पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताना है। आनंद का पर्यायवाची देखिए, मोद है, सुख है, प्रमोद है, उपर्युक्त सभी है। सो मोद, प्रमोद, सुख, ये सभी आपके आनंद के ही पर्यायवाची हैं। सो ऑप्शन द जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं, मतलब जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सो देखिए, छा है, का और शा से बनता है। त्रा जो है वो ता और रा से बनता है। ग्या जो है वो का और या से बनता है। और बा जो है, जो बा ऑप्शन यहाँ पे है, या वो आपका एक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बा जो है वो यहाँ पे सही है। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, ओष्ठाकार जो आपके ओष्ठ हैं उसकी आकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक होता है वृत्ताकार स्वर और एक होता है अवृत्ताकार स्वर। मतलब जब आप ओष्ठाकृत के आधार पर, मतलब जब आप ओष्ठ खोलते हैं, तो ओष्ठ खोल के जब बोलते हैं तो एक में आपका जो बोलते वक्त जो आकार है वो वृत्ताकार होता है और एक में अवृत्ताकार होता है। सो आ व बा जो है वो दोनों आपके यहाँ पे सही होंगे। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। देखिए, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से, मतलब उच्चारण कैसे करना है इसकी दृष्टि से जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। ओके, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। और यहाँ पे उत्तर जो है आपका वो बा होगा। और कौन कौन से यहाँ पे हैं? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं। देखिए, ध्वनियों के उच्चारण करते में होने वाले जो यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं, तो यह होते हैं स्वर तंत्री कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपयुक्त तो सभी। सो जो प्रयत्न है वो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्वर के तंत्र हैं वो भी काम करते हैं स्वर तंत्री कंपनों से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा और श्वास की मात्रा से। निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा है? दंत व्यंजन मतलब है जिसमें दांत, दांत से दांत पीसकर, या आप ऐसे कहिए आप, मतलब दंत व्यंजन जो है जिनका जो उच्चारण है वो हम दांतों की मदद से करते हैं। सो जैसे आप उच्चारण करके देखिए, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं, ना, चा, क, डा,
तो देखिए आप ना का उच्चारण जब करते हैं तो आपको पता है कि उसमें दंत व्यंजन हो। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। इनको व्यक्त करने में हम जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ओके, जब आश्चर्य प्रकट करना हो या हर्ष मतलब उत्साह प्रकट करना हो, शोक उत्साह इत्यादि को लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ढा वर्ण किस वर्ग में आएगा? सो ढा वर्ण में है जो वो आपका टवर्ग में आएगा। सो टवर्ग को आप कंप्लीट करिए, टा ठा डा ढा। 13 अंक है, 13 संख्या जो है वो आपकी विषम होगी। यहाँ पे उत्तर जो है उससे आपको पता करना है कि सम संख्या या विषम संख्या। सो ये आपकी ऑड है, विषम संख्या। अवरोही क्रम है, यहाँ पे अवरोही क्रम देखिए किसमें दिया हुआ है। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। ओके, सो 11 9 7 5 2 ये आपका अवरोही क्रम हो गया। और जो ऑप्शन बा है कि बढ़ते क्रम में, सो 2 5 7 9 11 ये आपका आरोही क्रम होगा। भाषा की संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? भाग की संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जो भाग की संक्रियाओं में भाज्य, भाजक और भागफल, ये तीनों होते हैं आपके। ओके, होता तो शेष फल भी है लेकिन यहाँ पे आपसे तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भाग की संक्रियाओं में आपके भाज्य, भाजक और भागफल तीनों होते हैं। भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं? सो भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से होंगे? पठन भी होगा, लेखन भी होगा, व्याकरण भी होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, व्याकरण का अभ्यास अगर नहीं होगा, सो तीनों जो हैं ये आपके उपयुक्त, तो सभी यहाँ पे सही उत्तर है। 100 इकाई के समूह को कहा जाता है, देखिए 100 इकाई के समूह को कहा जाता है 100, सो 10 दहाई या 1 सैकड़ा। सो 10 दहाई कहे या 1 सैकड़ा कहे, अब दोनों सही उत्तर है यहाँ पे। ऑप्शन 7 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। इससे पहले वीडियो जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था, वहां पे भी क्वेश्चन था कि 100 में 10 दहाइयां होती हैं, 10 गुणे 10 इकाइयां, 10 दहाइयां। सो 10 गुणे 10 इसको हम 100 कहेंगे, और 1 सैकड़ा तो वो आपको आपका तीन अंक उसमें होते ही होते हैं। भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन ऊपर ही आया हुआ है। भाषा शिक्षण के पक्ष जो है पठन लेखन और व्याकरण तीनों हैं। भाषा शिक्षण में संबंधित समस्याओं को बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, मीन्स भाषा से संबंधित जो अज्ञानताएं हैं वो कौन कौन सी, इसका समस्याएं कौन कौन सी हैं। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान होना, सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। मनोवैज्ञानिक समस्याएं कौन कौन सी हो गई? निरंतरता तथा धैर्य का अभाव होना, ये मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई। शिक्षण द्वारा प्रेरित न करना ये भी एक मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई। सो आ प्लस बा दोनों जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हुए आपके, और क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड या इसी पेपर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।